आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही क्विक बन जाती है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध। ये मैंने दूध जो है वो खुला दूध लिया है, पैकेट का नहीं लिया है, ये 1 किलो दूध है। इसके लिए हमें चाहिए 2 नींबू, 1 कप चीनी और 1 कप पानी। अब सबसे पहले हम दूध उबालने के लिए रख देते हैं। ये 1 किलो दूध लिया है मैंने, खुला दूध है, देखिए पैकेट का नहीं लेंगे आप। अब हम सबसे पहले नींबू को कर लेते हैं। देखिए हाथ से इस तरीके से हम नींबू को करेंगे। इस तरीके से करने से रस ज़्यादा निकलता है। तो इस तरीके से देखिए अब नरम हो गया है, ये हाथ से हमने करा इस तरीके से। अब हम काट लेते हैं। मैंने छन्नी रखी है ताकि इसके अंदर इसकी बीज रुक जाए और तुस नहीं जाने चाहिए, सिर्फ रस होना चाहिए। देखिए इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो है वो तुस नहीं जाएंगे, सिर्फ रस जाएगा। क्योंकि अगर से चीज़ के अंदर तुस आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम छन्नी से ही करिएगा। और इस तरीके से करने से देखें, इस तरीके से करने से तुसों में से भी रस निकल आया है। अब 2 नींबुओं का हम रस निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। लेफ्ट साइड पे बटन है रेड कलर का, उसे सब्सक्राइब करें, वो फ्री है और उससे आपको मेरी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। और देखें अब हमारा दूध जो है वो उबल रहा है। सबसे पहले हम दूध की मलाई को हल्का सा तोड़ देते हैं इस तरीके से चमचे से। नींबू आप देखें पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब दूध उबलता है तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो नींबू का रस निकालें। अब नींबू डाल देते हैं हम। नींबू देखें एक एक चमचा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। देखें मैं एक एक चमचा करके डाल रही हूँ और चमचा चला रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता डाला है मैंने, आप भी आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे इसे और चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे। अब हमारा दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। हमें पूरे 2 ही नींबू डालने हैं इसके अंदर। ये देखिए हाँ, अब मैं चमचे से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये देखें फटना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी ये और मजीद फटेगा क्योंकि अभी हम इसमें डालते रहेंगे अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए हमारा कंप्लीट दूध फट गया है बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको पानी दिखा देती हूँ। देखिए पानी अलग हो गया है, देखिए, और चीज़ जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है। ये जो हमारा दूध है वो सही तरीके से बिल्कुल फट गया है। अब हम देखें एक बर्तन लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से एक छन्नी रख देंगे और एक कपड़ा ले लेंगे, मलमल का कपड़ा लिया है मैंने, ये आप भी मलमल ही यूज़ करेंगे इसके लिए। और इस तरीके से हमने इस पर रख दिया है। इस पर हम जो है वो दूध छानेंगे, या पहले ही कर लीजिएगा। अब हम छान लेते हैं दूध को, इस वक्त ये काफ़ी गर्म है। अब देखिए मैंने इसे इस तरीके से कर लिया है और अब हमें दूसरे बर्तन पे ले लेते हैं इसे, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। हम पानी इसलिए डालते हैं कि नींबू की खटास जो है वो चीज़ में ना रहे। अब हम इस पे पानी डाल देते हैं। हम इसे अच्छी तरीके से पानी डालेंगे इसके ऊपर और देखें खोल खोल के डाल देंगे, आप चमचे से भी कर लें। इस तरीके से आप कर लेंगे चमचे से, देखें इस तरीके से आप पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो है नींबू की खटास जो है उसमें से निकल जाए। और अब हम इस चीज़ को जो है वो रख देते हैं हल्का सा, देखिए मैंने हल्का सा दबाया बिल्कुल। और अब हम इसे जो है 15 से 20 मिनट के लिए लटका देंगे कहीं पर भी, और हम इसे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। अगर से आप ज़्यादा दबाएंगे इसे तो फिर आपकी जो रसगुल्ले हैं वो सख्त बनेंगे, इसलिए हमें दबाना नहीं है इसे। इसी तरीके से हमें हल्का सा करके बस 15 से 20 मिनट तक के लिए लटका देना है। उसमें इसका जितना भी पानी निकलेगा बस उतना ही निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना। इस पानी को देखें हम यूज़ करेंगे, हम इसे आटा गूंदने के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स हैं। जो दूध खुद फटता है तो उसकी हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये तो हमने खुद फाड़ा है तो हम इसे जो है आटा गूंदने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे रोटी बहुत अच्छी पकती है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली, इसे फेंकिएगा नहीं। अब देखें 15 से 20 मिनट हमारी जो चीज़ थी उसको हमने हैंग कर दिया था, अब उसे हम उतार लेते हैं। और ये देखें अब इस चीज़ को जो है ये देखें अब हो गई है, इसमें जितना भी पानी होगा अब इसे हम दबाएंगे नहीं ज़रा सा भी। अब हम इसे एक प्लेट में या किसी भी जगह पे आप सख्त जगह में रख दें ताकि आप इसे जो है अच्छी तरीके से मसल मसल के कर सकें। अब ये देखें कितना इस वक्त सख्त है ये इस वक्त।
इस वक्त देखिए इसमें कितनी गुठलियाँ सी हैं और दाना सा ही है, हमें ख़त्म करना है और बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें इसे। ये इस तरीके का है और देखिए अब हमें इस तरीके से हथेली से करना है, ये चमचे से किसी भी चीज़ से नहीं होगा, आपको इसी तरीके से करना होगा हाथ से। पूरे रसगुल्लों की रेसिपी बहुत आसान है, बस यही एक बस ये इसका एक स्टेप है जिसके अंदर थोड़ी मेहनत करनी होती है आपको। ये हथेली से करेंगे आप, तो इस तरीके से आप इसे ऐसा ऐसा करते रहेंगे, ऐसे आप बार बार समेटते रहिएगा इस तरीके से और करते रहिएगा। आपको इसे इतना करना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, इसमें कोई भी गुठली कोई दाना ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, आपको इतना करना है इसे। बार बार इसी तरीके से हम करते रहेंगे इसे, क्योंकि जितना स्मूथ चिकना सा ही बनेगा उतनी ही चिकनी बॉलें हमारी बनेंगी। देखिए आप जितना इसको अच्छी तरीके से जो है वो इस तरीके से हाथ से करेंगे उतनी ही नरम बनेंगी, वरना ये सख्त बनेंगी। अगर से आपने यहाँ मेहनत नहीं करी तो फिर आपकी जो बॉल्स हैं वो बहुत सख्त बनेंगी, तो इसलिए आपको यहाँ अच्छी तरीके से करना है ताकि ये सॉफ्ट बने। देखिए बार बार मैंने इसे समेटा है और फिर इसे मैं दोबारा से करा है। अभी देखिए इस वक्त मेरा कितना नरम हो गया है, देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा और करूँगी, आपको भी इसे अच्छी खासी देर करना होगा ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, और इसी तरीके से करना होगा हाथ से। देखिए यहाँ से हमने करा है, हमारा ये हो गया है। अब ये देखिए, अब मेरे देखिए कितना स्मूथ सा है, आपको भी इतना ही करना है कि इतना ही स्मूथ सा हो। अब हम देखें इसे रोल कर लेते हैं, अब देखिए हम इसे रोल कर लेते हैं और रोल के हमने हाफ़ कर दिए हैं। हाफ़ करने से इजी हो जाता है बॉल्स बनाना। इसमें 1 किलो दूध के अंदर 10 से 11 बॉल्स बनती हैं, तो हाफ़ करने से ही होता है कि एक में से 5 निकाल ली आपने और एक दूसरे में से 5 निकाल ली, तो इजी रहता है हिसाब करना। अब देखिए ये हमने 10 बॉलें बनाई हैं, 10 से 11 बनती हैं, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते क्योंकि ये अभी शीरे में जाकर फूलेंगी। और देखें बॉलें कितनी स्मूथ सी बनाई हैं मैंने, इसी तरीके से स्मूथ आपको बनानी है। ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है हाथ से, ना ही बहुत हल्के हाथ से बनानी है, आपको नॉर्मल रखना है, वरना ये बॉलें अगर से आपने ज़्यादा प्रेशर से बनाई तो सख्त बनेंगी, और अगर से आपने बहुत हल्के हाथ से बनाई तो ये जो है शीरे में जाके टूट जाएंगी। इसलिए आपको देखिए हाथ से इस तरीके से भी कर लें आप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, नॉर्मल प्रेशर रखना है हाथ का आपको। देखिए और स्मूथ सी बनानी है, लकीरें ना हो इसमें, देखिए ये लकीर सी थी, इसे दोबारा बनाएं आप ताकि इसमें ये लकीरें ज़रा सी भी ना हो। अब देखिए यहाँ से हमने बनाई है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनानी है, स्मूथ सी बॉलें बने। देखिए अब हमारी सारी बॉल्स हो गई हैं, अब हम जो है शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले मैंने ले लिया है इसमें 1 कप चीनी, और इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप पानी। देखिए पानी और चीनी हमेशा बराबर की होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर से 2 कप आपने चीनी ली है तो 2 ही कप आप पानी लेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी होगी दोनों की। चाहे आप कोई सा भी बर्तन लें, जितनी आप चीनी लेंगे उतनी ही आप जो है वो पानी लेंगे उसके अंदर। और कभी आपका शीरा गाढ़ा हो जाता है तो उस सूरत में आप 1 से 2 चमचे जो है वो पानी डाल सकते हैं शीरे के अंदर। देखिए शीरा मैंने बाद में बनाया है इसलिए कि अगर से मैं चूल्हे पे छोड़ देती तो वो गाढ़ा हो जाता, इसलिए मैंने पहले बॉल्स बना ली और उसके बाद मैंने आखिर में शीरा बनाया है। तो आप भी आखिर में बनाइएगा और चूल्हे पे मत इतना छोड़िएगा कि वो गाढ़ा ही हो जाए, इसलिए लास्ट में बनाइएगा इसे। अब देखिए हमारा शीरा जो है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। मैंने बड़ा बर्तन लिया है आपको दिखाने की वजह से, लेकिन आप किसी छोटे बर्तन में बनाइएगा ताकि शीरे में ये डूब जाए अच्छी तरीके से और जो इसके बबल्स हैं उसी के अंदर ये पके। अब हमने शीरे में सारी बॉल्स डाल दी हैं और देखें हम मैंने थोड़ा सा किनारा कर लेती हूँ इसका ताकि शीरे में अच्छी तरीके से डूब जाए। छोटा साइज ही लीजिएगा क्योंकि फूल की अच्छी खासी बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल मध्यम आग होगी, मतलब बिल्कुल हल्की आग होगी कि उससे ज़्यादा हल्की नहीं हो सकती, इतनी हल्की आग के ऊपर आप 30 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। ये देखें अब हमारे जो रसगुल्ले हैं थोड़ा साइज़ इनका बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ये मज़ीद हैं, 15 मिनट हुए हैं मुझे अभी, तो मैंने आपको बीच में दिखा दिया है। देखें अभी भी झागों के अंदर ही ये पक रहे हैं और हम जो है वो इसके लिए छोटा चमचा यूज़ करेंगे। देखिए मैं छोटे चमचे से आप इस तरीके ऊपर भी डाल सकते हैं,
वरना आप इसे जो है 15 मिनट बाद टर्न कर दीजिएगा, इसे पलट दीजिएगा और इनकी झाग में ही हम पकाएंगे। अब हम 30 मिनट हमें हो गए हैं, अब हम चूल्हे से हटा देंगे, लेकिन हम जो है इसी के अंदर ठंडा करेंगे, इसे निकालेंगे नहीं। और जब आप सर्व करेंगे तब भी आप शीरे के साथ ही इसे सर्व करेंगे, इसे ऐसे ही खाया जाता है। ये रसगुल्ले अब हमारे रेडी हो गए हैं। आप अगर से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसी ही रेसिपी बनेगी। और अगर से आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, तो आप उसमें मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर से ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।